बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है पी स्क्वायर बाई 2 m, करेक्ट? ओके ओके, तुम्हारी आवाज आ रही है तब ना, मुझे वो आ रहा है चैट बॉक्स। एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन है, अगर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करार दे दिया जाए तो पी स्क्वायर बाई 2 m कांस्टेंट होगा, करेक्ट? तो मैं लिख सकता हूँ जो पी स्क्वायर है इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास, करेक्ट? अब मेरे से पूछा है कि मोमेंटम और मास का ग्राफ बताओ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मोमेंटम है, इधर पे मास, और मुझे पता है पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास। इसका मतलब है ये ग्राफ जो है ये बनेगा पैराबोला, लेकिन किसके सिमेट्रिक बनेगा? उसके सिमेट्रिक बनता है जिसकी डिग्री 1 होती है। किसकी डिग्री 1 है? मास की। तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे। लेकिन हम नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं बनाते क्योंकि जो मास है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो केवल और केवल उसने ऊपर वाला पोर्शन ऐसे बनाया होगा। समझ आया? समझ आया यश? अगर समझ आया तो मेरे को बता दो। सॉरी, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो बेटा क्या होता है, एक ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। वो कब बनता है? देखो, जब ऐसी इक्वेशन होती है ना, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब वाई का मैक्सिमम डिग्री 1 और एक्स का मैक्सिमम डिग्री 2 होता है ना, तो ग्राफ बनता है पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला। तो अगर कोई भी इक्वेशन में ऐसे दे दू, वाई बराबर प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर या एक्स प्रोपोर्शन टू वाई स्क्वायर, तो इसमें जो ग्राफ है वो बनता है पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, वो पैराबोला बनता है। अब मसला ये है कि ग्राफ किसके सिमेट्रिक होगा? ग्राफ उसके सिमेट्रिक होता है जिसकी डिग्री 1। चलो मैं समझाता हूँ अगले पेज पे, मैं 3-4 पैराबोला डेमो लूंगा ताकि तुम्हें समझ आए। अगर मैं कह रहा हूँ वाई बराबर मान लो के एक्स स्क्वायर, तो मैं पूछ रहा हूँ कि वाई और एक्स का ग्राफ बनाओ, तो तुम लिखोगे यहाँ पे वाई यहाँ पे एक्स। अब किसके सिमेट्रिक बनाने हैं? जिसकी डिग्री 1 है, इसका मतलब ऐसे ऐसे बनाना है सिमेट्रिक। अब अगर मैं इक्वेशन दूंगा वाई बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर, एक काम करो इस माइनस को उधर भेज दो, तो लिखोगे माइनस वाई बराबर के एक्स स्क्वायर। तो अब अगर मैं पूछूंगा वाई और एक्स का ग्राफ बनाओ, अब पैराबोला तो है इतना तो तुम्हें भी पता है, लेकिन किसके सिमेट्रिक बनेगा? इस माइनस वाई के सिमेट्रिक इस बार बनेगा, तो ऐसे उल्टा बनेगा ग्राफ, करेक्ट? अब थोड़ा सा और जाते हैं पैराबोला डिफरेंट टाइप्स पे। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वैसे लिख दे वाई स्क्वायर बराबर के टाइम्स एक्स, लिख सकते हैं ना। इस बार भी ग्राफ क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा, लेकिन इस बार जो पैराबोला होगा वो एक्स के सिमेट्रिक बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्स की डिग्री 1 है, तो ग्राफ का पैराबोला जो है वो ऐसा बनेगा, करेक्ट? लेकिन वो ऐसा भी तो छोड़ सकते हैं ना, वाई स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स, अगर ऐसा होगा इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? इस वाले में भी ग्राफ बनेगा पैराबोला, लेकिन वो सिमेट्री चेंज हो चुकी है। इसमें जो सिमेट्रिक होगा किसके सिमेट्रिक होगा? माइनस एक्स के, माइनस एक्स मतलब इसके, ऐसे बनेगा पैराबोला, करेक्ट? अब आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मोमेंटम और मास का ग्राफ बनाओ। देखो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 2 m। अगर काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ दे रखा है उसे कांस्टेंट में कर दूं, तो इसका मतलब है जो पी स्क्वायर बाई 2 m है वो कांस्टेंट है, या मैं ये कह सकता हूँ पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास। अब अगर तुमसे ये कोई पूछ ले कि पी स्क्वायर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास है ग्राफ क्या बनेगा, तो तुम कहोगे ग्राफ बनेगा पैराबोला। अब बस ये देखना है कि किसके सिमेट्रिक बनेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं वाई एक्सिस में पी को प्लॉट करूंगा, एक्स एक्सिस में एम को, मुझे पता है पीछे से पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास, किसके सिमेट्रिक बनेगा? जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री किसकी 1 है? एम की। तो एम के सिमेट्रिक बनेगा, तो ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, लेकिन अमूमन जो नीचे वाला पोर्शन है वो ड्रॉ नहीं किया जाता है। अब तुम पूछोगे क्यों नहीं ड्रॉ किया जाता है? इसीलिए ड्रॉ नहीं किया जाता है क्योंकि मास नेगेटिव नहीं हो सकता, वो क्या करेगा? वो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉ करेगा। अब अगर समझ आया चैट बॉक्स में लिख दो, समझ आया? समझ आया? बढ़िया हिसाब से समझ आया ना, कैसे ग्राफ्स देखते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन सा बोला बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट।